महाशिवरात्रि के दिन शिव जी को भोग चढ़ता है उस ठंडाई का, उसके बाद सारे मेहमानों में बांटी जाती है। समझ रही हो ना? इस बार की ठंडाई तुम बनाओगी। खाटू श्याम जी, मैंने तो आपको मैंने अच्छे नंबर दिलवाने के लिए, चमत्कार दिखाने के लिए कहा था, लेकिन मैं तो भूल ही गई थी कि आपने हमारा ब्याह थानेदार साहब से करवा के हमारा जीवन जादू और खुशियों से भर दिया है। बुलबुल, क्या सोच रही हो? ठंडाई बना लोगी ना? अब सब कुछ वैसे ही सजा देती हूँ जैसे थानेदार साहब ने सजाया था। कान्हा से काजू, कहाँ से किशमिश, बाकी से बादाम, दूध से था दूध, दूर से दालचीनी, सब कुछ इस सिलबट्टे में डाल के सब कुछ पीसना है। हाँ, पीस गया। ये आपस में चिपक क्यों नहीं रहा है? और उस दिन जैसे उसमें से खुशबू आ रही थी, इसमें तो अलग ही खुशबू आ रही है। लेकिन थानेदार साहब ने जैसे बोला था, मैंने तो बिल्कुल वैसा ही किया है।